110 साल पहले एक अंधेरी रात के वक्त एक लग्जरी जहाज 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था और महज 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 के बीच की रात को अटलांटिक महासागर में वह समा गया, जिस समय ज़्यादातर यात्री अपने पहले सफर का आनंद नींद में ही ले रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था ये नींद उनकी आखिरी नींद होगी। जिस जहाज के कभी नहीं डूबने की बात की गई थी वह डूब गया। उस हादसे में करीब 1500 लोग मारे गए। 110 साल बीतने के बाद भी इस हादसे को समुद्र का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है। हादसे की जगह से अवशेषों को सितंबर 1985 में हटाया गया था। कनाडा से 650 किलोमीटर की दूरी पर 3843 मीटर की गहराई में जहाज 2 भागों में टूट गया था और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर दूर हो गए। इस हादसे के 110 साल बाद भी आज भी लोग इसके बारे में सोचते हैं तो उनके रूह कांप उठती है। इस विशालकाय जहाज के बारे में कहा गया था कि यह डूब नहीं सकता और भगवान भी इसे डुबा नहीं सकते, पर इस भरोसे की भी अपनी वजहें थी। इस जहाज को तैयार होने के दौरान कई सारी मुश्किलें आई थी, जैसे कि जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली के तार और पानी के पाइप ठीक से काम करते रहें। इस पर काफी सोच विचार हुआ था। प्रोफेसर अलोह के मुताबिक इस पर सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने जहाज की ऊंचाई निर्धारित कर दी थी। पानी भरने की स्थिति में भी उन लोगों का कैलकुलेशन था कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा और इस चीज को लेकर उन्होंने छत पर सुरक्षित कंपार्टमेंट्स भी बनाए थे। लेकिन तब किसी ने आइसबर्ग से जोरदार टक्कर के बारे में नहीं सोचा होगा। प्रोफेसर अलहो ने यह भी बताया था कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मेन बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था और ऐसी परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच गया था। जहाज में पूरी तरह से पानी भरने लगा था और ऐसी स्थिति में बचाव संभव नहीं होता। जहाज बनाने वाले नेविगेटर सिविल इंजीनियर की थ्योरी के अनुसार टाइटेनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह डूब नहीं सकता है। उस दौर में जहाज को बनाने में जो धातु यूज हुए थे वे आज के स्टील जितनी मजबूत नहीं थे। जोरदार टक्कर के बाद जहाज के ढांचे में बदलाव आया होगा, दरवाजे बंद नहीं हो रहे होंगे और वे फंस गए होंगे। लेकिन उस वक्त भी टाइटेनिक प्योर स्टील से बनाया गया था, लेकिन तब का स्टील आज के स्टील जितना मजबूत नहीं होता था। हालांकि बाद में इन जहाजों की मुख्य बॉडी बनाने में धातुओं को पिघलाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। धातु विशेषज्ञों के अनुसार तब से लेकर अब तक की तकनीक और सामग्री काफी बदल गई है। अब धातु को पिघलाकर सीटों को जोड़ा जाता है और स्टील बनाने में कार्बन का इस्तेमाल भी कम होने लगा है और मैग्नीज का इस्तेमाल बढ़ने लगा है, जिससे आज का स्टील ज्यादा मजबूत होता है। उनके मुताबिक आज के समुद्री जहाज पानी में लहरों के उतार चढ़ाव और समुद्री तूफानों के तालमेल बिठाने में कहीं ज्यादा सक्षम होते हैं। बड़ी दुर्घटनाओं के बाद उनकी वजहों में हमेशा इंसान की ही गलतियां मिलती है। विशेषज्ञों के मुताबिक आइसबर्ग से भरे इलाके से गुजरने की मुश्किलों के बीच भी इस जहाज पर जल्दी से सफर पूरा करने का दबाव था। दरअसल यह दबाव ब्लू बैंड को हासिल करने का था। 1839 में शुरू हुआ यह प्राइज अटलांटिक महासागर का सबसे तेजी से पार करने वाला जहाज को दिया जाता था और टाइटेनिक को इस सम्मान का सबसे बड़ा दावेदार माना गया था। प्रोफेसर अलो के मुताबिक उस दौर के हिसाब से टाइटेनिक को बनाने में सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग और तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त समुद्री जहाज को बनाने के लिए दुनिया की बड़ी कंपनियों के बीच में रेस होती रहती थी। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच उसी वक्त सबसे लंबे और तेज गति से चलने वाले जहाज बनाने की होड़ लगी हुई थी। सबसे विशाल और तेज जहाज को आधिकारिक रूप से ब्लू बैंड दिया जाता था। किसी भी जहाज के लिए उपलब्धि हासिल करने के लिए पहली यात्रा को उसके लिए सबसे अहम माना जाता था। अलोह के मुताबिक पहली यात्रा के वक्त जहाज की स्थिति सबसे बेहतर होनी चाहिए। पहली यात्रा में जहाज सबसे तेज गति को हासिल कर सकता है और टाइटेनिक के द्वारा भी इस तेज गति को हासिल करने की कोशिश की गई थी। इस हादसे में जो लोग भी बचे उनमें से कई लोगों ने बताया था कि जहाज के कैप्टन को रास्ते में आसपास के इलाके में आइसबर्ग होने की सूचना मिल गई थी, लेकिन उन्होंने जहाज की गति धीमी नहीं की क्योंकि वे अटलांटिक महासागर को सबसे तेज गति से पार करने के लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे। उस वक्त टाइटेनिक ही केवल ऐसा जहाज नहीं था। इस जहाज को चलाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बेलफास्ट शहर के हार्लैंड और बोलफास्ट शिपयार्ड को 3 जहाज को तैयार करने का ऑर्डर दिया था। उम्मीद की जा रही थी कि विश्व स्तरीय डिजाइन टीम द्वारा निर्मित ये तीनों जहाज दुनिया के सबसे लंबे, सुरक्षित और सारी सुविधाओं से लैस होंगे। उस कंपनी के एक इंजीनियर स्टंप ने बताया था कि इन परियोजनाओं को उस दौर में खूब प्रचारित किया गया था। 1908 से 1915 के बीच निर्मित इन जहाजों को ओलंपिक क्लास का जहाज कहा जाने लगा था। पहले 2 जहाजों को तैयार करने का काम शुरू हुआ था 1908 में ओलंपिक और 1909 में टाइटेनिक का।
और तीसरे जहाज जाइगेंटिक का निर्माण 1911 में शुरू किया गया था। हालांकि तीनों जहाज किसी न किसी हादसे में शामिल रहे। ओलंपिक जहाज की जर्नी जून 1911 में शुरू हुई थी। उसी साल यह एक युद्ध पोत से टकरा गया था और मरम्मत के बाद इसकी सेवा फिर से शुरू की गई थी। और आपको तो पता ही होगा कि टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को शुरू की थी। शुरुआत में ही साउथहैम्पटन बंदरगाह के एक जहाज से टकराते टकराते यह बचा था और 14 अप्रैल को यह ऐतिहासिक हादसे का शिकार हो गया। इसमें से जो तीसरा जहाज जिसका नाम जाइगेंटिक था, इसका बहुत इस्तेमाल नहीं हुआ और बाद में इसका नाम बदलकर ब्रिटैनिक कर दिया गया था। ब्रिटिश नौसेना ने इसे पहले विश्व युद्ध के दौरान अस्पताल में बदल दिया था, पर आखिरकार यह जहाज नवंबर 1916 में डूब गया। अपने समय में तीनों जहाज काफी विशाल काय थे। टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर थी। पायलट और यात्रियों को मिलाकर इस पर करीब 3300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी। और आज की सबसे बड़ी समुद्री यात्रियों का जहाज वंडर ऑफ द सी है, जो 362 मीटर लंबा है। और इस जहाज पर पायलट और यात्रियों को मिलाकर लगभग 7000 लोग यात्रा कर सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर उस न डूबने वाली जहाज में इतने लोगों की मौत की असली वजह क्या थी। टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद समुद्री जहाजों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिशें शुरू हुई। समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए इस हादसे के बाद रडार जैसे उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया गया था। प्रोफेसर अलोह के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही रडार का मेन इस्तेमाल शुरू किया गया। इससे पहले सब कुछ देखने पर निर्भर हुआ करता था। एक नाविक को उस ऊंचाई पर बैठाया जाता था जहां से वह सामने आने वाले रुकावटों को देखकर जहाज के कैप्टन को अलर्ट कर सके, पर यह तरीका जहाज के तेज गति से चलने की स्थिति में सुरक्षित नहीं था। टाइटैनिक हादसों के सुरक्षा के प्रावधानों पर तो जोर दिया गया था, पर इस हादसे में बहुत सारे लोगों की मौत इसलिए हुई क्योंकि उनके लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थे। रिसर्चर्स के अनुसार यह जहाज कभी डूब नहीं सकता है। इस धारणा के चलते में आधे लाइफ बोट को ही इस पर रखे गए थे। आज के समय में रडार और सोनार की टेक्नोलॉजी काफी पहले ही आइसबर्ग का पता लगा लेते हैं, पर उस रात की वो घटना जो किसी ने सोची तक नहीं थी, उसे सुनकर आज भी लोगों की सांसें थम जाती है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।